महापुरुषों की जीवनी हिंदी में। दोस्तों, आपके लिए आज हम अरस्तु जी की जीवनी संक्षिप्त में लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। अरस्तु, ग्रीक दार्शनिक। परिचय। अरस्तु 384 से 322 BC एक ग्रीक दार्शनिक थे। वे दुनिया के बड़े विचारकों में से एक थे। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल है। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल चार तत्वों से बनी है, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। उनके मतानुसार सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय है और सारे पांचवें तत्व से बने हैं, जिसे वे ईश्वर कहते थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदुनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वो वहां पर वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पाए के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उसके गुरु भी करते थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु की गिनती अपने समय के साथ साथ संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खासकर दार्शनिकों के बीच होती है। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु और दर्शन। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदुनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चलसेस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के एक साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की शिक्षा। मकदुनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। दोस्तों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े महापुरुषों के साथ साथ विदेशी महापुरुषों के जीवन की संक्षिप्त जीवनी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जीवनी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।